खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, एबीपी न्यूज की खास पेशकश लगातार जारी है, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं घाटी के मौजूदा हालात, क्योंकि जन्नत में अमन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में शांति है, लेकिन कांग्रेस को यह पच नहीं रहा। कल राहुल गांधी ने दावा किया था कि कश्मीर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। राहुल ने पीएम मोदी से इस मामले में जवाब मांगा था। अब सरकार की तरफ से राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब आया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 6 दिनों में कश्मीर में आंसू गैस का एक गोला भी छोड़ा नहीं गया है। जावड़ेकर ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये कहा कि कुछ लोग कश्मीर में तनाव चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के कल के आए बयान पर जवाब दिया है, ये कहते हुए कि 6 दिन हो गए हैं, कश्मीर घाटी में आंसू गैस का एक गोला तक नहीं छोड़ा गया। आगे बढ़ते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कश्मीर में तनाव चाहते हैं। दरअसल कल राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं, कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं, और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही थी, मांग की थी कि पीएम इस मुद्दे पर बोले। अब प्रकाश जावड़ेकर आए हैं सामने। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो कश्मीर में तनाव चाहते हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बढ़ते हुए कहा कि 6 दिन हो गए हैं, आंसू गैस का एक गोला भी कश्मीर में चला नहीं। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब मिला है केंद्रीय मंत्री से।